नगर निकाय के ग्रुप डी की सीधी भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म है, उसकी विज्ञप्ति कम्प्लीटली जारी हो चुकी है। क्या एज लिमिट लेने वाली है? सिलेक्शन प्रोसेस और बिना परीक्षा सीधी सरकारी भर्ती है साथियों। 13,184 पदों पर यहाँ पर कम्प्लीटली नगर परिषद, नगर निपालिका और नगर निगम में ये जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर के अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती में क्या क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, कैसे क्या सारा जो स्टेप बाय स्टेप सारी जो मैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली आपसे शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल इसी प्रकार की जॉब संबंधी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं साथियों, नगर निकाय में जो ये राजस्थान सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, कम्प्लीटली 176 नगर निकायों में ये कम्प्लीटली वैकेंसी है उसको रिलीज किया गया है, और कम्प्लीटली सफाई कर्मचारी के जो पद हैं उस पर यह वैकेंसी निकाली गई है। 13,184 रिक्त पदों पर जो आवेदन है वो मांगे गए हैं, और कम्प्लीटली ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। सारी बातें हम वन बाई वन सारी क्लियर करने वाले हैं। एज लिमिट की मैं बात करूं तो 18 से 40 वर्ष की उम्र है, 1/1/2024 इसकी आधार तिथि मानी गई है। आवेदन आपको 15/5/2023, 15 मई से 16 जून के बीच में आपको जो है अपना कम्प्लीटली आवेदन है वो ऑनलाइन कर देने हैं, और अभ्यर्थी अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखें, क्योंकि आपका जो डाटा है जो आवेदन में भरा जाएगा वो जन आधार कार्ड से ही सीधा उठाया जाएगा। तो ये कम्प्लीटली आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है, और इस प्रकार से ये सारी जो वैकेंसी है 13,184 पदों पर जारी कर दी गई है। अब हम चलते हैं विस्तृत विज्ञापन में, और वन बाई वन आपकी सारी स्टेप्स में जो बातें हैं वो क्लियर कर देता हूं। तो मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं, 16/6/2023 इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपको एसएसओ आईडी के थ्रू जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आप राजस्थान के कैंडिडेट से, तो एसएसओ आईडी से अच्छे से आप परिचित होंगे। सारी चीजें हैं वो डाटा जो आवेदन के फिलअप की जो प्रोसेसिंग होने वाली वो वहीं से आपको देखने को मिलेगी, और आपको जो अपना जन आधार डाटा है उसको कम्प्लीटली अपडेट रखना है, वहीं से आपको सारा डाटा है वो लिया जाएगा। तो आपको जन आधार को कम्प्लीटली अपडेट करवा देना है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में आपके सारी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, तो जिसमें आपको फॉर्म भरना होगा। फीस की बात करूं तो जनरल के लिए 600 रुपये, आरक्षित के लिए जो है कम्प्लीटली 400 रुपये, और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये रखे गए। नगर निकाय वार अगर हम पदों की बात करें तो जयपुर ग्रेटर में सबसे ज्यादा पद हैं, 3,670, उसके बाद हेरिटेज में 108, बाकी नगर पालिका वाइज है, जो नगर पालिका नगर निगम वाइज आप देख सकते हैं सारे जो पद हैं यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। आपको किसी एक नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम में ही फॉर्म अप्लाई करना है, आपको दो नगर पालिका में आप अप्लाई नहीं कर सकते, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप अपने नजदीकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जो भी है उसका कम्प्लीटली देख सकते हैं। ये पूरा जो मैंने स्वाइप कर दिया, तो वीडियो की क्वालिटी अप करके आप अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पर ये टोटली जो वैकेंसी है वो 13,184 पदों पर ये जो फॉर्म है ये भर्ती निकाली गई है। इसमें वेबसाइट पर भी सारी चीज़ें अपडेटेड हो चुकी हैं, और ये सारी जो प्रोसेसिंग है वो ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू ही रहने वाली है। तो आपको ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली फिलअप कर देनी है, रिजर्वेशन कैटेगरी अकॉर्डिंग अपने सर्टिफिकेट तैयार करना, वो सारी जो बेसिक सी बातें हैं वो तो आपको कम्प्लीटली क्लियर करनी है। जो मेनली इंपॉर्टेंट बातें वो सारी हम क्लियर करेंगे। टीएसपी, नॉन टीएसपी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यही है, आप टीएसपी के एरिया के कैंडिडेट्स ऑल राजस्थान अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नॉन टीएसपी वाले नॉन टीएसपी में ही अप्लाई करेंगे। आवेदनकर्ता राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं राजस्थान के अलावा बाहर के वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे योग्यता के लिए। और सफाई कर्मचारी के जो पद है तो योग्यता है, केवल अभ्यर्थी साक्षर होना चाहिए, साथ ही राज्य को किसी भी नगर निकाय, केंद्र, राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान मतलब एनजीओ है, संवेदकों है, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना होगा। आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तो संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपको साथ में यहाँ पर 1 साल की जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर चाहिएगा। आपको किसी भी जो मतलब स्वायत्तशासी जो मान्यता प्राप्त जो कंपनियाँ वगैरह होती है, कॉर्पोरेटिव कंपनियाँ होती है, तो वहाँ से आपने अगर सफाई का काम कर चुका है तो वहाँ से 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र लेवल 1 का ये कम्प्लीटली आपको वेतनमान मिलने वाला है, कम्प्लीटली आपकी ये गवर्नमेंट जॉब की तरह रहने वाला है, और लेवल 1 के जो नियमानुसार जो 7 पे के लेवल 1 के पे आउट है उस अकॉर्डिंग आपकी जो पेमेंट है वो आपको मिलने वाली है। 1/1/2024 को 18 से 40 वर्ष, उसके बाद भी कैटेगरी वाइज बहुत छूटे, SC ST OBC और कम्प्लीटली आर्थिक रूप से EWS की पुरुष अभ्यर्थियों को भी 5 साल की छूट है, सामान्य की महिलाओं को 5 साल की छूट है, बहुत सारी इसमें नियमानुसार आपको कम्प्लीटली छूट आपको देखने को मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपको सीधा वहाँ पर इंटरव्यू में जाना, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। आपको अपना एज के लिए जो है कम्प्लीटली आपके आयु संबंधी है वो प्रमाण पत्र लेकर जाना है, जन आधार कार्ड की प्रतियां लेकर जानी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है, नगर निकाय और जो केंद्र के किसी भी विभाग स्थापित जो कम्प्लीटली 1 वर्ष का जो सर्टिफिकेट है उसकी 2 कॉपी लेकर जानी है, 2 चरित्र प्रमाण
पत्र राजस्थान राज्य का मूल निवासी सर्टिफिकेट और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो विवाहित सर्टिफिकेट विधवा अगर आप जो भी कैटेगरी वाइज आप क्लेम करते हैं वो सारे सर्टिफिकेट आपको लेकर कंप्लीटली अपने इंटरव्यू में जाना होगा और ये इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी होने वाली है, इसमें कहीं कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी सीधी भर्ती क्या है, कंप्लीटली आप अगर योग्यता अनुसार आप अप्लाई करने के लिए योग्य हैं तो आप कंप्लीटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एक ही नगर पालिका या नगर निगम या नगर निकाय में आपको अप्लाई करना है, आप एक से ज्यादा फॉर्म है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह आप कंप्लीटली ध्यान से फिलअप करिएगा, सारी चीजें आपको ऑनलाइन ही सूचना मिलेगी। और ये 15 का पॉइंट नंबर 1 आप पढ़ लीजिएगा, एक ही नगर निकाय में एक ही आवेदन करना है, अगर एक से अधिक आवेदन करते हैं तो आपको कंप्लीटली सारे आवेदन निरस्त हो जाएंगे। तो ये कुछ जो बातें हैं मैंने सारी इस भर्ती संबंधित आपकी बातें क्लियर कर ली है। कंप्लीटली साथियों अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार की एजुकेशन और जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारा एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा तो जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्या होगा आपको हर अपडेट यहां पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो साथियों मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।